दोस्तों, हम जानते हैं कि कार में जो पावर मिलता है वो उसके इंजन से मिलता है, पर ये कैसे काम करता है? सबसे पहले इस कार के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं? जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा कि ये कार का पिछला भाग है, और इसमें यहाँ पे एक एग्जॉस्ट पाइप लगा होता है, ये साइलेंसर है, ये डिफरेंशियल गियर बॉक्स है, और ये पीछे का रियर व्हील है। पीछे के रियर व्हील में भी डिस्क ब्रेक लगा होता है, ये सस्पेंशन होता है। और इसके टॉप से देखते हैं तो ये एक लंबा सा शाफ्ट गया है, इसको ड्राइव शाफ्ट कहते हैं। और यहाँ पे गियर बॉक्स होता है, जो कि जो फ्रंट में जो ड्राइवर होता है उसके जस्ट बगल में यहाँ पे गियर चेंज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ होता है पैडल, इसके थ्रू गियर चेंज करता है। और यहाँ पे जो आगे वाला पार्ट है, इसमें इंजन लगा होता है। यहाँ पे ये फ्रंट व्हील है, इसमें भी डिस्क लगा होता है, सस्पेंशन लगा होता है। ये व्हील का आगे वाला पार्ट है रेडिएटर, ठीक है। रेडिएटर में क्या करता है, ये कूलिंग का काम करता है, ये इसका इंजन है। अब इसके इंजन के बारे में देखते हैं, ये कैसे काम करता है। ये इंजन ब्लॉक है, ये गियर बॉक्स है, और ये है इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर। इसको और जूम करके देखते हैं, देखिए ये है इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके थ्रू इग्निशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। ये 4 सिलेंडर वाला एक इंजन है, 4 स्ट्रोक ऑटो इंजन, ठीक है। इसमें जो रेड कलर का ये दिख रहा रहता है, ये एयर फिल्टर है, एयर को फिल्टर करके इंजन में भेजता है। और इसको इसके अंदर वाले पार्ट्स को बारे में भी देखते हैं, ये इंटेक मैनिफोल्ड है, और ये है गियर बॉक्स, ये टाइमिंग बेल्ट है, एक कैमशाफ्ट से कनेक्टेड है, और किसे चेन के थ्रू क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। कैमशाफ्ट से क्रैंकशाफ्ट में कनेक्टेड होता है। अब इसके सिलेंडर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने बताया, ये कैमशाफ्ट होता है जिस पे कैम्स लगे होते हैं, और ये जो है वाल्व्स होते हैं। ये जो चेन है, इस चेन के द्वारा क्रैंक शाफ्ट से कैम शाफ्ट में मूवमेंट होता है, ठीक है। ये इसके वॉल्व्स है, इनलेट वॉल्व्स, आउटलेट वॉल्व्स। इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व का जो मूवमेंट होता है, इस कैम शाफ्ट के लगे क्रैंक शाफ्ट में लगे कैम के द्वारा होता है। और क्रैंक शाफ्ट किस पे मूव करता है, यानी इसका मोशन क्रैंक शाफ्ट से होता है। ये इसका क्रैंकशाफ्ट होता है। अब हम इसके ऑपरेशन को देखते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रोक होता है उसको देखते हैं। द पिस्टन मूव डाउनवर्ड, इसमें क्या होता है, पिस्टन डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। जैसे देखते हैं, इसको प्ले करके डाउन की तरफ मूवमेंट हुआ। जब ये डाउन की तरफ मूवमेंट होता है तो यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा। सक्शन क्रिएट होने के दौरान ही इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, और इनलेट वाल्व से एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है। फिर सेकेंड वाल्व स्टार्ट होता है। सेकेंड वाल्व में क्या होता है, बोथ द इनटेक एंड द एग्जॉस्ट वाल्व आर क्लोज। इनटेक वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज होते हैं। पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, कंप्रेसिंग द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। इसके ऊपर जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो कंप्रेस होता है। जैसे ही कंप्रेस होगा तो उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। देखिए कंप्रेस हुआ, जैसे ही कंप्रेस हो रहा है यहाँ पर रेड हॉट जैसे दिख रहे हैं, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इसके थर्ड स्ट्रोक कहते हैं। थर्ड स्ट्रोक में क्या हुआ, द स्पार्क प्लग इग्निटेड, स्पार्क प्लग इग्निट होता है। द कंप्रेस्ड एंड हीटेड मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल एक्सप्लोजन पुशेस द पिस्टन डाउन, यानी स्पार्क प्लग इग्निशन होगा, इससे जो एयर फ्यूल का मिक्सचर, जो हीटेड मिक्सचर होगा वो इग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन की वजह से पिस्टन को ये आगे की तरफ, यानी डाउन तरफ, डाउन में मूव करेगा, उसको पुश करेगा। उसके बाद फोर्थ स्ट्रोक आता है। इसमें फोर्थ स्ट्रोक में पिस्टन वापस ऊपर की तरफ मूव करता है। द एग्जॉस्ट वाल्व ओपन एट द एग्जॉस्ट गैसेस आर एक्सपेल्ड,
जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करता है उसी दौरान आउटलेट वाल्व यानी ये वाल्व खुल जाता है और इसमें से एक्सॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती हैं। ये इसका प्रोसेस होता है। इसमें जो डायग्राम में इसके नेम्स भी दिए हुए हैं, तो दोस्तों उम्मीद है 4-स्ट्रोक ऑटो इंजन के 3D डायग्राम के थ्रू आप इसको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक्स।